बड़ा तेवर, ओच का वो बड़ा स्वर, जिसे मैं भी खुद काफ़ी दिनों बाद सुनूंगा। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन में, जिसको हमने आखिरी में बिल्कुल बचा के रखा था एक कीमती मोती की तरह, बस आपकी एक बार जोरदार तालियां उठ जाएं। हम लोग कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में हैं। दुष्यंत शुक्ला सिंह नादी आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। और आपको पता है साहब, आज का दिन विशेष है। और क्यों विशेष है? सब कुछ इस मंच से कहा गया है। व्याख्या जी ने भी एक गीत में शहीदों की वंदना की है। आज का दिन विशेष है और पत्रकारों का ध्यान इस दिन पर होना चाहिए था, हो सकता किसी का हो। दिन विशेष इसलिए है कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को आज के दिन ही फांसी दी गई थी। क्या बात! ये तीन भारत के महान क्रांतिकारी हैं जिनको अंग्रेजों ने सूली पर लटका दिया था। और साहब, हम लोग तो ऐसे लोग हैं, ये जो इतने बढ़िया उत्सव हो रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं पैरोडियों पर, कविताओं पर, हास्य रस पर, सुंदर संचालन पर, जो ठहाके लगा रहे हैं रात में, ये किसकी बदौलत है? ये जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े हुए, संगीन लिए हुए सीमा पर हमारे जवान हैं, ये उनकी बदौलत है। बहुत अच्छे दुष्यंत भाई, और दिन भी ऐसे उत्सव हम नहीं कर सकते हैं अगर कहीं उनकी निगाह में चूक हो जाए। मैं उन शहीदों के नाम कुछ कविताएं लाया हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कि कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेटे हैं, भुजदंडों में भारत का स्वर्णिम सम्मान समेटे हैं और देते जवाब जो खड़े हुए हर एक कमीनी हरकत का, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे। भाई कमाल हुआ है आज तो। जो स्वदेश के लिए न्योछावर, जो स्वदेश के लिए न्योछावर, उन्हें सुबह हर शाम लिखूं, वतन परस्तों का कविता में सबसे ऊंचा नाम लिखूं, और जिस माटी पर शीश कटे हो अमर शहीदों के पावन, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धाम लिखूं। भाई क्या तेवर है भाई दुष्यंत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और साहब, ये हिंदुस्तान आप समझ रहे हैं इसको योगी जी और मोदी जी चला रहे हैं, ये व्यवस्था का एक अंग है। इनसे पहले भी किसी ने इस देश को चलाया है और इनके बाद भी इस देश को कोई चलाएगा। ये एक संवैधानिक व्यवस्था का अंग है, लेकिन देश को वास्तव में चला कौन रहा है? अगर बात अच्छी लगे तो इस मुक्तक में आशीर्वाद दीजिएगा। क्या बात! कि हिंदुस्तान है जिंदा केवल बस मजदूर किसानों से, हिंदुस्तान है जिंदा बस केवल मजदूर किसानों से, हिंदुस्तान है जिंदा बस सीमा पर खड़े जवानों से, और कोई नेता कोई अफसर भारत की तकदीर नहीं, हिंदुस्तान है जिंदा केवल वीरों के बलिदानों से। वाह 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 वाह। एक बार मुट्ठी मार के बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कितने लोग यहाँ पर शहीदों के विषय में जानते हैं, जरा हाथ उठा के बताना। कोई कविता पढ़ना आदत नहीं है मेरी, बहुत कम हाथ उठे हैं भाई साहब, ये देश की विडंबना है। सब ने उठा। मैं कहना चाहता हूं, विश्वजीत को जानते हो? आज मैं कविता का ट्रैक बदल रहा हूं साहब। विश्वजीत को जानते हो? नहीं जानते हैं। 60 साल बीते हैं, ये फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था विश्वजीत, बड़े हिट गाने दिए हैं फिल्मी दुनिया में, और 60 साल बीते हैं महोदय, इसको देश भूल गया। 200 साल बाद ये हिंदुस्तान अमिताभ बच्चन को भी भुला देगा, ये कवि की भविष्यवाणी है। लेकिन जरा चंद्रशेखर आजाद को भूल के दिखाना। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है, भूल के दिखाना। और हमारे और आपके घरों के जो बच्चे हैं साहब, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कहीं कि केवल मनोरंजन ही न कविता कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैं उसका पालन करने के लिए आया हूं, मैं मनोरंजन का कवि नहीं हूं।
साहब हमारे आपके घरों के बच्चे, ये प्रदूषण इतना फैल चुका है हमारे आपके घरों में कि हमारे आपके घरों के बच्चे ड्राइंग रूम से लेकर के बाथरूम तक कैटरीना कैफ के, बिपाशा बसु के, मल्लिका शेरावत के और उस हकले शाहरुख खान के चित्र लगाते हैं, चंद्रशेखर आजाद का चित्र कोई नहीं टांगता। कम से कम बच्चा पूछेगा आपका कि पापा ये कौन है, तो कम से कम ये तो बचाओ बताओगे कि बेटा ये चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये भगत सिंह हैं, शिवाजी हैं, राणा प्रताप हैं। अरे सरकारें तो साहब शुरू कर दिया उन्होंने, कक्षा छह की पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर हुआ करता था वीर अब्दुल हमीद, हम लोगों ने पढ़ा है उसको, आपने भी पढ़, कितने लोगों ने पढ़ा, हाथ उठा के बताओ, सब ने पढ़ा। अब कहीं दिखाई देता है, अब आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। यह है पाठ्यक्रमों की स्थिति साहब, किस प्रकार से शहीद इस देश में उपेक्षित किए जा रहे हैं। कैप्टन मनोज पांडे के पिता आदरणीय गोपी चंद पांडे जिंदा है, गोमती नगर में रहते हैं लखनऊ में। यह दर्द है और इस दर्द को आपके बीच में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा, पाकिस्तान कहने नहीं जाऊंगा। यह दर्द है और दर्द इसलिए है कि अभी यहां पर कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे थे, उनके सामने यदि मैं पढ़ता तो हो सकता है ये बात उनके कानों तक पहुंचती, सदन में इस बात को रखते। विधान परिषद में 12 मेंबर मनोनीत करने का पावर मिलता है राज्यपाल को, और राज्यसभा में 5-7 मेंबर मनोनीत करने का पावर मिलता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में कितने शहीदों के परिवारों के लोगों को मेंबर मनोनीत किया गया है जरा बताइए, और हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटे कितने लोगों को मिला, वहां पर जानते हो किसको मनोनीत किया जाता है, थोड़ा कड़वी बात है, वहां पर मनोनीत की जाती है रेखा, अगर गलत कहता हूं तो मुझे रोक देना, वहां मनोनीत की जाती है जया बच्चन, वहां मनोनीत की जाती है वहीदा रहमान, वहां मनोनीत किए जाते हैं विजय मल्ल्या जैसे लुटेरे। गोपीचंद पांडे का ध्यान नहीं आता है, यह रसूलन बीबी वीर अब्दुल हमीद की बेवा यहीं रहती थी गाजीपुर में, मैंने उनको देखा है, उनके सानिध्य में कविताएं पढ़ी, गाढ़े की धोती पहनती थी साहब और बहुत सीधी रसूलन बीबी, उनको मनोनीत करने का समय नहीं आया। ये वो देश है साहब कि आजादी मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद की माता जगराणी देवी 15 वर्ष जीवित रही और उनकी दोनों आंखें हाय मेरा चंदू कहते हुए बह गई साहब। ये अजीत शुक्ला आया है बदरका का, देश उनके साथ न्याय नहीं कर सका और हम बड़े गर्व से सीना फुला के 56 इंच का कहते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने निकले। ये कैसा अमृत महोत्सव है, तालियां बजाओ, मैं कुछ पढ़ना चाहूं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, अभी आपने देखा होगा, बहुत खूब, ये जनरल बिपिन रावत शहीद हुए तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर कितने हंसी के इमोजी चित्र लगा के लोगों ने उसको संप्रेषित किए। ये हमारे देश का चिंतन होता जा रहा है, इनको पता नहीं कि शहीद कैसे होते हैं, शहीद हैं कौन, इनको कुछ नहीं पता है साहब। और जब राजनीति कहने लगे कि साहब सेना में तो लोग मरने के लिए जाते हैं, मर जाते हैं, उनके परिवार वाले पेंशन पाते हैं, ये बात कहना सरल है लेकिन शहीद होते क्या हैं, जरा सा भी संवेदना आपके हृदय में हो तो दुष्यंत सिंहनादी को इन छंदों पर जो हमारे सर्वश्रेष्ठ छंद हैं जिससे मैं पहचाना जाता हूं, वो छंद आज चकिया में आया हूं, पहली बार आया हूं और मेरे लिए सब कुछ यहां नया है, उन छंदों को मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि आपके हृदय तक मेरी बात पहुंची है तो जहां इच्छा होगी तालियां बजा दीजिएगा, तालियां बजाते हुए आप थक चुके हैं मैं जानता हूं, ज्यादा तालियों की उम्मीद नहीं करता हूं। दुष्यंत भाई, कि रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है, हमारे आपके घरों के लड़के, कि रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है, और रहता ना एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। बहुत अच्छे,
कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है और वतन की रक्षा युद्ध सीने पर खाता गोली लौट कर आता तो शहीद कहा जाता है। क्या बात है, क्या कार्यक्रम हुआ है। उपजा को बधाई एक बार, दोनों हाथ उठा करके तालियों का उद्घोष हो जाए और कैमरामैन ये तालियों का उद्घोष कैद करे कि कवि सम्मेलन ऐसे सुना जाता है ऐसे। ये यूट्यूब में करोड़ों लोग देख रहे होंगे इसको, ये जो कैमरा जहां जहां घूम रहा है। ये है शहीद इस देश के। स्वागतम, क्या बात है, जिंदाबाद इस देश के लिए। अगर शहीदों की श्रृंखला आप टिक करने लगे, गिनने लगे, तो पूरा जीवन बीत जाएगा। ज्ञात अज्ञात लाखों शहीद इस देश में हुए हैं, जो पाठ्यक्रमों में आ पाए हम आप जान सके, जो नहीं आए दादा उनको हम नहीं जान सके। आप राणा प्रताप के वंशज हैं, आपको मैं नमन करता हूं। राणा प्रताप ही भारतवर्ष के ऐसे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लेकर के इस देश में शहीदी इतिहास की परंपरा और नींव रखी थी। आप उसके परिपालक हैं, आपकी मूछें, मैं इनको प्रणाम करता हूं। ये हंसने का विषय नहीं है, इतने लोग बैठे हैं, बताओ है कोई जोड़। सच है, सच है। और हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि जिसके मूछ नहीं होती उसको उसकी पत्नी डरती नहीं है।